संदीप क्या हुआ? क्या हुआ? भगवान कहने लगे, रो नहीं, हम तुम्हें अवश्य ले जाएंगे। अब भाई ले चलो, जल्दी करो। अरे विश्वास रखो, विश्वास में ही परमात्मा होता है। अरे जल्दी करो। बोली कि कन्हैया यार हमें ले चलते सवरिया यार। तेरे माथे की बिंदिया चमकनी, तेरे माथे की बिंदिया चमकनी, अंधेरी आंधे हो अवश्य ले जाएंगे। विश्वास रखिए, विश्वास में ही परमात्मा होता है। जब तुम्हारे भैया को सालो बारात लेके आ जाए, तब तुम एक चिट्ठी लिख के भेजवा दियो। रुक्मणी बोली, कौन पे भेजवे ही हम तो, हमारा कोई ना है, कोई ना। इतना कहने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गई। रुक्मणी चीख पड़ी, श्याम। अब कोई हो तो बोले, कहाँ चले गए तुम? आ जाओ, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा, तुम जरा सी बात पर नाराज हो गए। और बोली कि मैंने कछु ना कही। फौजी साहब, एक बात नहीं कही, और बिरह की पीड़ा फिर काए होती। बात नहीं कही और फिर हाथी कीड़ा फिर काए पोंदई। आ जाओ श्याम, तुम्हें नहीं जाना था, कहाँ हो? चोरी चोरा चले गए बड़े चोर निकले, चोरी चोरा चले गए बड़े चोर निकले, चोरी चोरा चले गए बड़े चोर निकले। ना जी कुछ खबर ना दिया कुछ पता, धोखा दे कर चले गए पति देवता। हम तो समझी थी तुम बड़े दादा हो, तीन दुखियों के भाग की विधाता हो, तुम दिल के बड़े ही कमजोर निकले हो।
चोरा चल गए बड़े चोर निकले, चोरी चोरा चल गए बड़ी जोर निकले, चोरी चोरा चल गए बड़ी जोर निकले। ये हार भाई साहब के पता परीक्षित महाराज श्रीमान जगदीश जी हमें गलत बनी रहे से धर्म की तरफ सदा सदा हाथ बढ़ते अनिल भ्रातिये ध्यान रखे और ग्राम दहलिया करके वो अपने दर्शन दे सदा सुकारी नहीं हो बेटा दया शिशु हमारी है मेरे अनिल भैया की रक्षा करे चंद्र सुदर्शन धारी है बोले आनंद कंद भगवान की जय। रोती नहीं बाग की तरफ चले, बाग में सहेलियां हैं, एक बोली बहना रुक्मिणी रानी आ रही है और का देखो ना, दूसरी बोली कन्हैया की दीवानी आ रही, तीसरी बोली चुप मारो हमें जब मालूम पड़ रही दार में कछु कारो है, कछु ना सबदार कारी। तब तक रुक्मिणी पास में आ गई, बोली बहन अब तो हम मामीठो करवा तेरी शादी है ना, शादी नहीं बर्बादी। क्या मतलब? बोली सुनो संदीप, अरे मेरे दिल की सुनो सहेली, दूल्हा ढूंढे मेरे भैया ने चंदेरी राजेश, अरे चंदेरी मीनू वरुण मैं खाई की चेहरू मरूंगी बहन में आत्म घात करूंगी। अपने श्याम की चुगनिया बन जाऊंगी घर से चली जाऊंगी, अपने श्याम की चुगनिया बन जाऊंगी घर से भाग जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी, अपनी श्याम की चुगनी बन जाऊंगी घर से भाग जाऊंगी। जोश चुपाल दूल्हा बन के आवे, जोश चुपाल दूल्हा बन के आवे, मैं तो चेहरू खाई के मर जाऊंगी घर से चली जाऊंगी। इधर रोकम कर लगा मंत्री ना, यो ब्राह्मण को बुलाओ, एक लंबा सरसार निकाल के रखो, हीरे जवाहरात से भरवा दो, ठीक है, और ये टीका तुम्हें चंदेरी में दंगभोज पुत्र शिशुपाल के लिए ले जाना है। ठीक ठीक महाराज, मैं पत्र लिख रहा हूँ, पत्र में क्या लिखा पास नहीं अरे पास
मिया मथुरा को आइए बनवार और भाजी साहब आरे कपरनी तुई के बरना चाचा जी ले जाओ ना यो ब्राह्मण पत्र लेकर के चले शिशुपाल के यहाँ पहुंचे जैसे देखा बोले ए मंत्री ये लंबे थार वाले कहाँ से रहे से जाकर के पहुंचो कुदरकोट से आ रहे महाराज कुदरकोट अच्छा ये लगन गुन लिए कहाँ जा रहे अरे ले चिट्ठी पढ़ो तुम्हारी लेटरी खुली जैसे ही पत्र को खोल के पढ़ा भरे भगवान हमारे जैसे बहनों ही सबके गए आंगन में भागता हुआ पहुंचा भाभी 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 ओ ओ ओ ओ हमें दूल्हा बना दो लगुन टीका पूरी न पापड़ी बहुअर राय पड़ी खामोस तुम नहीं जानते हो हमारे बहनोई की बहन रुक्मिणी बहुत सुंदर है तुम्हें घर में दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहनोई साहब अपनी बहन की शादी हमारे साथ में कर रही तो बहन लगी तुम्हारी ऐसी बहनें देखी जाए तो शादियां बंद हो जाए तब तक नाई और ब्राह्मण हंसने लगे जवाब दो महाराज जेई सबसे ज्यादा बदनामी करने वाली तलवार ली सर काट के जमीन पर डाल दिया अब भाभी सोचने लगी जल्दी दूल्हा बना और नजदय जैसा कर दिए आंगन में भाजत हुई दो चार सहेलियों के लाई पट्टा डाल लो मड़ो गाड़ लो दूल्हा बनाने लगी शगुन ये कौन है शगुन तो तब हो तो जब ब्याह हो तो दूल्हा तो मौत को चूल्हा क्या हुआ कि जाके सी सम्मोहर जब धारो छींक भाई पटक लगी बारी पटाते लपटिया महाराज मूर छोड़ कहीं सुपा शोर गोल बंद कथा कह रहे प्रमोद कुमार करा शोर गोल बंद बहके जितनी मोड़ी खरी सबन में ठट्ठा परिया चलिया खड़ी सबन में ठट्ठा